उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में स्टाफ ने डीएम से प्रकाश अस्पताल खुलवाने की मांग की। आपको बताते चले, पारिवारिक संपत्ति विवाद व अन्य मामलों में प्रकाश अस्पताल को सीज कर दिया गया है, जिसके बाद अस्पताल का स्टाफ जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंचा और अस्पताल को पुनः शुरू करने की मांग की। पहुंचे स्टाफ ने बताया कि 1 जून को सीएमओ के द्वारा अस्पताल को इसलिए सीज किया गया कि डॉक्टर मालती व पुत्र अनमोल ने बताया था कि अस्पताल को कंपाउंडर द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि यह सरासर गलत है क्योंकि अस्पताल को डॉक्टर एपी अग्रवाल के बड़े पुत्र डॉक्टर अर्चित अग्रवाल द्वारा चलाया जा रहा है। स्टाफ ने बताया कि 20 से 25 लोगों का स्टाफ भुखमरी पर आ जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक है, प्रकाश हॉस्पिटल मैनेजर। हमारी मांग है, ये देखिए, जो हॉस्पिटल बंद करा गया 1 जून को सीएमओ द्वारा, मालिक द्वारा बगैर किसी इंटीमेशन के दिए हुए ताला लगवा दिया गया। जो भी कर्मचारी देखिए मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, उनका वेतन भी रुका हुआ है और उनके परिवार की जो भी जीवन रेखा यापन है वो भी प्रकाश हॉस्पिटल से। कोई स्टाफ मेरे यहाँ 40 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल से निरंतर कार्य है, बगैर किसी इंटीमेशन के बंद कर दिया, ये गैर कानूनी है। पहले कहीं भी कोई भी सरकार हो या कहीं भी कोई डिपार्टमेंट पहले बताता है कि आज जिस दिन सीएमओ द्वारा बंद करा गया कोई हमें नहीं बताया गया और फौरन की ताला लगा दिया गया। कोई आरोप लगे हैं आरोप थे, ये देखिए पारिवारिक प्रॉपर्टी का विवाद है, उसमें हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल तो मानव सेवा के लिए लगा हुआ है और निरंतर 30 सालों से हॉस्पिटल चल रहा है। 20 से 25 लोगों का सब भविष्य अधर में डाल दिया गया है। आरोप लग रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि गलत काम होता था? कोई गलत काम नहीं हो रहा है, क्या एविडेंस है किसी बात कहने को? तो नरेंद्र मोदी के लिए भी आप गलत कह दो, खुद जाए, हम तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ये तो हमारा हक है कहने का। आपको हॉस्पिटल के जो मालिक है उन्होंने पहले नहीं बताया था? कोई नहीं बताया गया, वो तो खुश है ताला लगा के कि फंसे। अब आप बताइए हम 25 लोगों को स्टाफ को लेके कहाँ जाएं? उनकी भी रोजी रोटी उससे चलती थी, अचानक से ताला लग जाना तो कहीं ना कहीं फर्क उनको भी थोड़ा बहुत पड़ा होगा या नहीं? जी उन्हें तो वो तो मैडम जो है उनकी तो अर्निंग चल रही है, उन्हें क्या परवाह है कि कोई भी मर जाए। क्या नाम है उनका? मालती अग्रवाल। आप किस वक्त पर? मैं मैनेजर हूँ। आज आप लोग डीएम साहब? हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए कि देखिए जो भी निष्पक्ष बात हो उसको सामने रखा जाए। पारिवारिक संपत्ति का विवाद से हॉस्पिटल का क्या मतलब? अभी डीएम साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं।